हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेपर सोप। जो सोप की स्ट्रिप्स जैसे होती हैं, ये इस तरह की, देखिए इस तरह की मार्केट में मिलती है। ये देखिए इस तरह की जो सोप्स होती है, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पेपर जो होता है, आप बटर पेपर ले सकते हैं या फिर ट्रेसिंग पेपर वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बच्चों की जो ड्राइंग शीट, प्लेन शीट होती हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्लेन होनी चाहिए, उस पर कुछ लिखा या पेन से नहीं होना चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ी मोटी बनेगी अकॉर्डिंग टू, जिस देखिए ये बहुत ही थिन है, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप है, तो इसी तरह से बनेगा। ये पेपर बहुत थिन है, तो ये मैंने ट्रेसिंग पेपर लिया है यहाँ पर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पर कोई भी कलर का शैम्पू, हैंड वॉश या बेबी शैम्पू, कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक बिना कलर का और एक कलर वाला बनाकर दिखाऊंगी। तो मैं इसको हाफ ऑफ कर लेती हूँ। देखिए इसको मैं हाफ कर लेती हूँ। एक पर मैं आपको प्लेन बनाकर दिखाऊंगी और एक पर मैं आपको कलर भी डालकर दिखाऊंगी कि आप कलर वाला पेपर भी बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, ग्रीन होता है, रेड होता है, ऑरेंज होते हैं, कई तरह के कलर होते हैं, उसमें थोड़ा सा कलर होता है, ये दिखने में अच्छा होता है, दिखने में अच्छा लगता है, बाकी नॉर्मल ही होता है। एक मैंने ये है, यहाँ पर मैं फर्स्ट अभी यूज़ कर रही हूँ डेटॉल का हैंड वॉश। आप कोई भी हैंड वॉश ले सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए इस तरह से डाल करके आप बाउल में पेस्ट बना करके रख सकते हैं। और बनाते वक्त आपने इसके अंदर एलोवेरा जेल था, ये देखिए इसके अंदर दिखा देती हूँ, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, देखिए एलोवेरा जेल इसके अंदर ऑलरेडी है, तो मुझे अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी हैंड वॉश या शैम्पू, इस तरह का कोई शैम्पू भी आप यूज़ कर सकते हैं, बेबी शैम्पू है आपका अपना कोई शैम्पू है, उसमें थोड़ी सी क्वान्टिटी, जिस ताकि आपके हैंड्स सॉफ्ट रहें, तो उसके लिए आप थोड़ा सा हैंड वॉश भी मिला एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं। इस तरह से करने के बाद ये बहुत ज़्यादा हो गया, दोनों तरफ के लिए काफ़ी इनफ था, बट इस तरह से पूरे पेपर पर आप लगा दीजिए इस तरह से, इस तरह से, और दूसरी साइड भी आप इसी तरह लगा दीजिए। मैं साइड में इसलिए रख दिया ताकि मुझे भी दूसरा पेपर भी यहाँ पर रखना है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप थोड़ा सा, हल्का सा मैं और डालूंगी क्योंकि पहले वाली साइड में बहुत ज़्यादा हो गया। ये इस तरह से आप दोनों साइड लगा करके इसे इसी तरह से छोड़ दें। मेरे हैंड वॉश के अंदर एलोवेरा जेल पहले से ही था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। आप चाहें तो कोई भी हैंड वॉश के साथ या फिर शैम्पू के साथ आप एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं। ये मैंने हैंड वॉश के साथ बनाया है। यहाँ पर मैं आपको कलर वाला सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये वाइट शैम्पू थोड़ा सा ले लिया है, ये देखिए काफ़ी है इतना शैम्पू। इसमें चाहे तो आप एलोवेरा जेल मिला सकते हैं और हल्का सा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको कलर वाला बताऊंगी, तो ये मेरा फूड कलर है, ये मैंने इसमें ऐड किया है, ये येलो कलर का है। ये देखिए इस तरह से आप कोई भी फूड कलर लेकर के इसमें थोड़ा सा, चाहे तो आप हल्का सा, मैं इसमें एलोवेरा जेल थोड़ा सा डालती क्योंकि बहुत पतला हो जाएगा अगर हम लोग ज़्यादा डालेंगे तो, इसलिए ये हमारा हो गया। थोड़ा मैंने इसके अंदर एलोवेरा जेल भी डाल दिया है और अब मैं इसको देखिए ड्रेसिंग पेपर पर लगा देती हूँ। ये जो पेस्ट था, ये देखिए इस तरह से। अब चाहे तो एक ही साइड क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी में लगा करके एक साइड से लगा कर रख सकते हैं और चाहे तो आप दोनों साइड लगाएं। ये देखिए इस तरह से आप एक ही साइड ज्यादा लगा दें और एक साइड ना भी लगाएं तो भी चलेगा,
और दोनों साइड जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया, दोनों साइड लगाना चाहे तो आप दोनों साइड भी लगा सकते हैं। इसमें मैंने दोनों साइड लगाया है और इस वाले मैंने एक साइड लगाया, थोड़ा ज्यादा हो गया। ये कलर वाला हो गया, वो प्लेन जैसे व्हाइट होता है, दोनों में हो गया। इसको अराउंड 20 मिनट्स लगेंगे सूखने में, 20 गर्मियों का टाइम है, जल्दी भी सूख सकता है, फैन चला दें तो जल्दी भी सूख जाएगा। इस तरह से आपका ये आपका होममेड सोप स्ट्रिप्स रेडी है। सूखने के बाद मैं आपको जरूर दोबारा से दिखाऊंगी इसको। देखिए इस तरह से भी आप इसको अपने हैंगर में हैंग करके सुखा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी है आपको ड्राई करने का तरीका भी। आप चाहे तो बोर्ड पर भी रहने दे सकते हैं उसको, ये थोड़े टाइम में सूख जाएगा। अगर ऐसे सुखाएंगे तो ये थोड़ा जल्दी सूखेगा आपका। ये देखिए हमारे पेपर सोप बनकर एकदम बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ये कलर वाला और ये जो व्हाइट था। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर मैंने दोनों साइड हैंड वॉश लगाया था और उसके अंदर एक साइड लगाया था, तो ये थोड़ा दिखने में थोड़ा ज्यादा हैवी लग रहा है। ये देखिए इस तरह से इसको कट करके इस तरह से कट करके आप जितना बड़ा रखना चाहे उतना बड़ा है, वैसे इतना छोटा काफ़ी होगा बिकॉज इसके अंदर सोप काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अगर सोप हैवी क्वांटिटी में लगाएंगे तो छोटा पेपर ही काफ़ी होगा हैंड वॉश के लिए। देखिए इतना पेपर, ये एक सिंगल पेपर है, इस तरह से आपका एक सिंगल पेपर काफ़ी है हैंड वॉश के लिए। और ये है हमारा कलर वाला, इस तरह से मोड़ के। और आप भी अपना एक टाइट पेपर की नोटबुक बना लें और उसके अंदर सेव करके रख सकते हैं अपने पेपर्स को। देखिए इस तरह से आपके टिश्यू पेपर रेडी हो गए हैं। फोन पकड़ा हुआ है इसमें देखिए हल्का है और काफी अच्छा, मैं बिल्कुल पूरा इसको नहीं रब कर पा रही हैं, लेकिन काफी अच्छा सोप आते हैं ज्यादा आपको चाहिए रब कर, लेकिन काफी अच्छा फॉर्म इसके अंदर आ गया और इसको आप दस मिनट